स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी जो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे मोलर कंडक्टिविटी, तो वहां पर जो हम लोग ग्राफ बना रहे थे वो ग्राफ स्टेट लाइट का आ रहा था। अगर हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं तो स्टेट लाइन का क्या होता है? यस यस, ये हम लोग आप बताइए। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है बताओ, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वाई पे क्या था? मोलर कंडक्टिविटी था। हाँ सी था। यस नहीं, मोलर कंडक्टिविटी था, एक्स पे सी था। हाँ आप बताइए एक्स पे क्या था? रूट सी था। रूट सी था। सी पे क्या था? अरे सी, सी क्या होता है? कांस्टेंट। इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट को हमने मान लिया था ये इंफिनिटी। क्या है ये? इन्फिनिटी, ठीक है ना। देखो अब स्लोप कैसा आ रहा था, ग्राफ किसकी तरफ आ रहा था? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ग्राफ कैसे आ रहा था? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। वीवो बंद करो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, नीचे की तरफ तो निगेटिव स्लोप, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पर जीरो स्लोप। बात समझ में आ रही है ना? याद करो केमिकल काइनेटिक्स में बता दिया था थोड़ी सी। अब यहाँ पर देखो तो स्लोप निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो स्लोप निगेटिव आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस बी लिख दू, क्या चलेगा? यहाँ पर कुछ भी माइनस बी माइनस सी। हाँ दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तुम्हारा पीछे से ही दौड़ रहा है रे, देख वाला वो हथौड़ा से मार रहा लग रहा है। चलो यहाँ पर ये हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दू, मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे लिख दू एम इनफिनि। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी शिवम जान से ऐसे करता है। आवाज फसिंग। नो फसिंग, फसिंग सत यू आर देखिंग। चलिए यहाँ पर देखिएगा, माइनस बी रूट सी, ठीक है ना। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। और ये इक्वेशन जिसने दिया था बच्चा, उसका नाम था देखो राजीव रंजन। नहीं बैक, हमारा वो यहाँ पर होता तब तो दिक्कत ही नहीं, राजीव रंजन होता। देखो यहाँ हम लोगों को आप ही ने दिया है बात। सब सर जो छोटा मोटा नहीं देते, वो देते तो बड़ा देते हैं। हाँ हाँ कल, अरे वाह शिव सर, क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे सर, क्वांटम फिजिक्स में खोज करेंगे नया नया। और ए देखो देखो यहाँ पर सागर इक्वेशन, दीपक हकल। हाँ सागर इक्वेशन बोलते, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आईआईटी ने क्वेश्चन, यहाँ एक आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट इसी से, लेकिन मैं ज्यादा अभी बताऊंगा नहीं। यहाँ पर बताओ एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, बताओ ये क्या है? बार बार लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बात समझ में आई? अच्छा सी क्या है? बोलो 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 बोलो। कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ बात समझे। अब बी क्या? बी फॉर बैल, बी फॉर कॉन्स्टेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट, बोले तो सरफेस टेंशन। बात समझ में आ रही है ना? या विस्कोसिटी, इसके अंदर ना इसको ऐसे लिख लो। बात करेंगे विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन। सरफेस विस्कोसिटी क्या होता है? क्या होता है बताओ, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये भी चीजें मुझसे सर, पूछ रहे हैं। लिक्विड स्टेट नहीं पढ़े थे सर? लिक्विड स्टेट में ही बोले जाते रे गधो। चलिए यहाँ पर ध्यान, हाँ ये हम लोग बात करते, हाँ कितना है? चलिए तो यहाँ पर मैं बताऊंगा। चलिए विस्कोसिटी में अब देखो, जो एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, अरे सुनो यहाँ पर सभी लोग, मैं अगला पेज नहीं लूंगा, अगला पेज खराब हो जाएगा, तो इसी पेज में लिख। सुना सुना नाम लग रहा है विस्कोसिटी। अरे हाँ रे, सुनो यहाँ पर, अरे एक कितना करना हो, सुनो सुनो सुनो, अरे क्वेश्चन देखो, अरे सुन पहले,
पूछा था मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अरे क्या लाइट ज्यादा आ रहा है, इन्फिनिटी सी, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास जो था कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन बताना था, ठीक है ना। ये आपका बच्चों आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप उसमें देख सकते हो, 2014 या 2015 में पूछा था, ठीक है ना। पूछो बताओ कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है रे, देखो ये वाला लिखा हुआ है ना सर, इक्वेशन जो लिखा हुआ है, यस यही था सर, इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ यही था हमारे पास, ऑप्शन में चारों दिया हुआ था, तो ये आपको याद रखना था, ठीक है ना। एक बार नीट ने भी क्वेश्चन पूछा था, 2018 में पूछा हुआ था, लेकिन वो आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, चलिए नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या चीज था, क्वेश्चन क्या चीज पूछा हुआ, रिलेशन क्या है इन तीनों के बीच में। सर सबको वॉइस क्लियर जा रहा है क्या? हाँ सबको जा रहा है। बच्चों पेज नंबर कितना होगा, 4 या 5? 5 सर, 5। चलिए अगर जिनको वॉइस क्लियर नहीं जा रहा है उनके लिए मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ इसका, तो आई आपका नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है आवाज। अरे वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं आ रही है सर, सर हम लोग को नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है हम लोग, भूल गए आप। अरे सर, अरे जब एक को जा रहा होगा तो सबको जा रहा होगा ना, इसका मतलब आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। अगर आपके प्रॉब्लम है, चलिए नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पर छठा नंबर पेज की बात करेंगे, छठा बोले तो 6, 6 क्या बोलेंगे, 6। चला अब हम लोग बात, इसका फालतू क्वेश्चन सही में रहता है, अभी पता चला मुझे क्या होता है सर, रियली में अभी मुझे पता चला इसका फालतू क्वेश्चन ज्यादा रहता है। चलो जी वाली कुछ भी बोलता है आज, आज का जो ये टॉपिक, इस लेक्चर का नाम रहेगा 6 का होता है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ सर, कुछ याद आ रहा है आप ये बोल रहे हैं तो, हाँ चलो अपने तक रखना अंकित, हाँ याद आ रहा है, शेयर भी करना, नहीं अंकित तुरंत शेयर भी कर देता है ना, नहीं अंकित मत करना, पब्लिक देख रही है अंकित सवाल के इलेक्ट्रोलाइट, अंकित सर माता नहीं है, पहले ये बता देता हूँ, वो अलग तरह का बच्चा है। चलो यहाँ पर हम लोग लग गया आपका सर, मतलब कुछ नहीं है, सब सब से अलग है, सब हाँ हाँ। चलो हम लोग वीक इलेक्ट, अरे देखो देखो देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा है कि जो इसके अंदर डाइल्यूट होता है, पॉइंट समझिए क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ध्यान से सभी लोग, जो इसके अंदर हम लोग डाइल्यूट की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इसका मतलब वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, तो अल्फा डिसोसिएशन क्या करेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ जितना ज्यादा आयंस डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ, समझिएगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज भी करेगा, हाँ नंबर ऑफ आयंस क्या करेगा, बढ़ेगा। अब सब सब रिलेशन एक साथ ही करवा देता हूँ, इसका मतलब, हाँ तो एक बात बताओ, तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या करेगा, और ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो इसमें बच्चों जो ग्राफ होता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें जो ग्राफ होता है ना थोड़ा सा हाइपरबोला टाइप का बनता है, कैसा बनता है, हाइपरबोला, हाँ इसमें जो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा, यानी समझिएगा यहाँ पर कटोरा टाइप, कटोरा टाइप, वही डिपिंग, हाँ हाँ, तो ये किसी मतलब देसी लैंग्वेज में समझ रहा हूँ ना, देसी लैंग्वेज अंग्रेजी है ना सी। आप चलिए यहाँ पर, अरे सुनो फिर मैंने यहीं पर वही बात कर दी आपका, अरे ये लोग आप लोग ना इसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना, जो लिखा रखा हूँ पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बच्चों, इसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा, ये हाइपरबोला ग्राफ है, तो इसके अंदर हम लोग फिर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, मतलब जब लेफ्ट साइड में चलेंगे तो मुझे बताते चलिएगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज, घटेगा, इंक्रीज घटेगा, लेफ्ट
हाँ अच्छा ये डाइल्यूट डाइल्यूशन बढ़ेगा कंसंट्रेशन बढ़ेगा डाइल्यूशन बढ़ेगा मुझे बताओ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा बढ़ेगा डाइल्यूशन बढ़ रहा है इसलिए हाँ यानी ये हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करेगा हाँ तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ठीक है ना ध्यान अच्छे से लिखिएगा आप लोग यानी बढ़ेगा 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 बाबा एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों देखो यहाँ पर अंकित बोला फोर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझिएगा यहाँ पर अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझिएगा इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी समझ ये इस ग्राफ में एक प्रॉब्लम आएगी कि ये ग्राफ कहीं पर कट करेगा क्या नहीं करेगा नहीं ये ग्राफ कहीं कट नहीं करेगा तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो इस सॉल्व पॉइंट समझिए इसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा और जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग एक यहाँ पर पॉइंट लिख दे ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर रहे यहाँ पर समझिएगा फोर वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे भी तो सर वैसे भी तो कंसंट्रेशन इसमें कभी जीरो होगा ही नहीं हाँ तो कैलकुलेशन करने में ना दिक्कत डाइल्यूशन पूरा हो नहीं सकता तो कैसे कट जाएगा वही ना नहीं कटेगा इसीलिए तो प्रॉब्लम आएगा कट जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था सीधे ग्राफ पे मतलब इक्वेशन पे हम लोग पुट कर देते तो यहाँ पर हम लोग एक चीज यूज करेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यू कैन नॉट क्या चीज यू कैन नॉट कैलकुलेट क्या चीज इनफिनाइट नहीं कैलकुलेट कर सकते हो बाय कुछ का जोड़े या ना जोड़े समझिएगा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो देखो लेकिन कहीं ना कहीं से तो कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉर्चस लॉ क्या बोलेंगे कॉर्चस लॉ हाँ उसका नाम ही होता है कॉर्चस लॉ कैसा नाम से कैसा नाम से अब इंडिया तो है नहीं इंडिया तो है नहीं किरचॉफ्स लॉ सुना है कॉर्चस लॉ छोड़ो ना अरे किरचॉफ्स लॉ को ही मैं कॉर्चस लॉ बोल रहा हूँ ठीक है ना अच्छा इसमें भी स्टेटमेंट लिख सकते अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट सिंपल सा बताओ CH3COOH ले सकते हो ठीक है ना चलिए इसमें भी पॉइंट लिख सकते हो लेकिन मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा यहाँ पर चलो लिख लिए स्क्रीनशॉट ले लिए एक यस सर नहीं 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 मिनट से एक मिनट एक मिनट नहीं दस सेकंड हो गया क्या करेंगे सर इसमें दोनों आयंस को जोड़ देंगे क्या हाँ चलो चलो मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट ताकि हो सकता है कभी कभी तुम लोग भूल जाओगे ऐसे करो ना सभी लोग को आवाज ऑन कीजिए आप लोगों को आवाज जा रही है कि सबको क्लियर बराबर आ रही है सर चलिए तो लिखना स्टार्ट कीजिए चाहे लिखोगे तो कोई है नहीं मैं ही लिख देता हूं कहां है जानते हैं आप तो द वीक इलेक्ट्रोलाइट द वीक हाँ हाँ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएशन या डिसोसिएट कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली इनकम्प्लीटली इन आयंस इनटू आयंस इन आयंस ठीक है ना विथ क्या चीज विथ क्या बोला बोला विथ क्या चीज इंक्रीज इंक्रीज इन डाइल्यूशन हाँ इंक्रीज इन डाइल्यूशन डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इट्स ध्यान दीजिएगा इट्स डिसोसिएशन इट्स डिसोसिएशन इंक्रीजेज number of
आयंस इंक्रीजेज एंड हेंस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आयंस क्या जाएगा इंक्रीजेज एंड से, इसका इक्वेशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? हाँ हाँ, अभी देखो ना, अभी बनाओगे तो नहीं नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखने में लग रहा होगा, आप लोग बुक में देख रहे होंगे ना, इसलिए आप स्क्रीन को देखो तो नहीं लगेगा। कंडक्टेंस देखने में लगता है हार्ड है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाओगे तो लल्लू पंजू क्वेश्चन लगेगा। इंक्रीज या इंक्रीज को डायरेक्ट सिंबल में लिखो ना, इंक्रीज ये क्या है सर? कंडक्ट क्या चीज? हेंस हेंस मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस मैं पूरा बोल दे रहा हूं, इंक्रीजेज टू अ लार्ज एक्सटेंट एज शो। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, तो पेज नंबर 7 होगा ना ये। चलिए तो इसको हम लोग यूज मतलब सॉल्व करने के लिए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉर्चेस लॉ। क्या है ये, इसको मिटाइए जिसने भी लिखा है। कौन है ये? कीप स्माइल वन सर है? नहीं, कीप स्माइल वन कौन है? चलिए कोई होगा सर, पार्ट सर ही रटते रहते हैं कीप स्माइल कीप स्माइल, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं ही हूंगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या कोहली? अच्छा कोहली, अरे सबसे अच्छा याद रखना कोहली लॉ, बस बस। हम भी हमको लगा कोहली लिखने जा रहे हैं आप, केवल लिख दिए थे सिपाही लगाने के, वो होता है सर, वो तो याद ही रहता है। कॉर्चेस लॉ, चलिए ये देखो ये हमें क्या बताता है, ये बहुत आसान है, बस इसका थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूँ। एट स्टेट, क्या बोले? ये अंकित तो पूरा याद रहता है सर। ओहो, स्टेट्स डैट एट नहीं, कोई खिलाड़ी फिलाड़ी के ऊपर मत जाओ, ये सब अपना पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए है, देश के लिए कोई नहीं सोचता, इससे अच्छा विदेश का खिलाड़ी सब है, कम से कम डोनेट करता है पैसा, इसीलिए मैं मैक्सवेल को हाँ सर पैसा डोनेट करता है फिर वापस भी ले लेता है सर। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, धोनी 15 करोड़ दिया था सर। सुनिए ना सर, कोहली भी पे किया है, आपको पता हो ना हो? अरे हाल फिलहाल में धोनी 15 करोड़, अरे जब दुनिया सब सही होने लगा है तब करने लगा। हाँ हाल फिलहाल में किया ना, अरे वो दुनिया जब मर रही थी तब तो किया नहीं है, जब आईपीएल खत्म हुआ है मतलब आईपीएल के बीच में थोड़ा सा एंडिंग होने वाला है सर, फिर स्टार्ट होने वाला है। क्रिकेट का डिस्कशन बंद करें। अच्छा चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। When the यहाँ आदमी मर रहा है इसको, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट Each ions, ये ऐसे में डिफाइन कर देता हूं, इसका ज्यादा यूज नहीं, कभी कभी ना हो सकता है बोर्ड में पूछ ले, इसके लिए लिख देता हूं। आयंस मेक्स अ डिफरेंट, यहां पर देखिएगा, मेक्स अ डिफिनिट, फिर डिफिनिट क्या स्पेलिंग गलत, DEFDE ठीक तो है अंकित? देख लिया तू कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर देखिए, अरे यहाँ पर देखो कॉन्ट्री, अरे थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखा करो रे, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड, आप ही बोलते हैं ना कि स्पेलिंग गलती हो तो बता दिया करो। हाँ नहीं तुम लोग लिख लिया करो, मोलर सीओम चला गया सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा कंडक्टेंस, अरे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑफ यूट्यूब पे चला जाता है वीडियो, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहां पर देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट ठीक है ना,
irrespective of nature, ध्यान दीजिएगा, nature of other आयंस। चलिए इसका मतलब समझते हैं, पहले तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका हम लोग अच्छे से मतलब समझते हैं। सिंपल सी बात है, जो किर्चॉफ लॉ होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस होगा। यानी मैं इसका मतलब बताता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, मत समझिएगा, कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो केटायन और एनायन से बना होता है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ। क्या चीज? अकॉर्डिंग टू, हाँ तो यहाँ ये तुम भी बता सकते हो, आई नो। तो देखो इसको ना हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से, नहीं तो तुम लोग को ना इसका इक्वेशन थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है खासकर बोर्ड में, ठीक है। तो इससे कहा मोलर, ये देखो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा। अब अगर केटायन और एनायन से बना होता है बच्चों, तो इंफिनिटी पे हम लोग ये बात कर सकते हैं, ये देखो ये भी एक तरह का लेमडा ही है, ठीक है ना, जिसको आप लोगों ने देखा हुआ है। यहाँ पर एम इसको लिख सकते हैं बच्चों केटायन, क्या लिख सकते हैं? केटायन प्लस प्लस, हाँ लेमडा एम इंफिनिटी एनायन, अरे बोला नहीं तो मैं लेने वाला था एल्युमिनियम क्लोराइड सबको, ठीक है ना। चलो यहाँ पर बट NaCl सर, NaCl को कंसिडर करते वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है ना, दोनों में ऐसा नहीं है। क्वार्चॉफ्स लॉ सिर्फ वीक के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना? ये दोनों में यूज कर सकते हैं और दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो अब इसको तोड़ेंगे तो केटायन क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट एन ए प्लस, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन ए प्लस प्लस, बोलो लैम्डा एम N minus, sorry, Cl minus. Cl minus, ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए, अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं, हालांकि इलेक्ट्रोलाइट ही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, M, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिटी मार रहा है, NS, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V, मतलब यहाँ पर, अरे यहाँ पर, ठीक है ना, केटायन, देखिएगा आप लिखने का दो तरीका होता है, तो ए एम यहाँ पर देखिएगा इनफिनाइट केटायन, ठीक है, आप फिर हम लोग लिख सकते हैं प्लस वी माइनस माइनस क्या चीज? लैम्डा एम इनफिनिटी एम इनफिनाइट माइनस एनायन, ठीक है ना। चलिए तो एक मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको बताना है यहाँ पर, अरे अच्छा रुक जाओ, ये तो हमने आराम से लिख लिया है, लेकिन ए लिखने से पहले देखो यहाँ पर, यहाँ पर एक मैं एरो देके लिख देता हूं, इफ वी हैव ध्यान दीजिएगा, वी हैव, ये क्या हो गया, ये वी के टाइन हो गया, ठीक है ना, एंड वी माइनस वी माइनस एनायन, हाँ okay. अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब बस आपको क्या चीज याद रखना है क्या चीज नहीं याद रखना है इसको मैं बता देता हूं यहाँ पर, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन नहीं मतलब एग्जांपल की बात करते हैं इसकी, ये इन्फिनिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, और आपके पास दिया गया Al2SO4 का थ्राइस। देखो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा बच्चों, टू इंटू मतलब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, अरे एल्यूमिनियम का कितना मोल होगा, 2 मोल होगा, तो ये मोलर समझ गए यहाँ पर, लैम्डा कितना बाज आ रहा है, हाँ यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू, फिर ये क्या लिख सकते हैं, इंटू SO4 2 माइनस, ठीक है ना। तो बस आप ना इसमें दो चीजें याद करके रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा,
ये वाला पार्ट याद करके रखिएगा, इससे ही क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। और ए के वाला याद करके रखिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जल्दी नोट कीजिए इसको, फिर क्वेश्चन सर बस यही था आपके पास, कॉर्चस लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बताइए कुछ हार्ड है क्या? वो सर, वो सर सुनिए ना सर, बोलो सर। बोल रहे हैं कि इसमें सिर्फ इक्वेशन लिखना है कॉर्चस लो में, बस बस इसी से क्वेश्चन रहेगा बस। सर सेवन नंबर पेज खोलिए ना फिर से। क्या सेवन नंबर पेज? क्यों तुम इतना पीछे आगे कैसे चले आए? चलो जल्दी। अरे हो गया? यस सर हो गया। चलिए यहां पर ये तो हमने सिंपल एग्जांपल समझा है, ठीक है ना। यहां पर समझिएगा बच्चों, यानी यहां पर एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन ही देता हूं मैं आपको बनाने के लिए। एक क्वेश्चन से ही आपको ना सारा चीज क्लियर होगा, फिर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, दो थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना, अगर पढ़ना है तो। यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत? ए बाबूला नहीं सर। अच्छा अच्छा चलो, तो थोड़ा सा अगर नहीं दिक्कत है तो तनिक तू बता तो रे। ई मोलर एम नॉट, ठीक है ना, सी एच थ्री सी डबल एच, इसको तोड़ के बताओ। कीप स्माइल। हाँ सी एच थ्री सी डबल ओ में टूटेगा अनायन में। अब मोलर कण लैम्डा कौन लिखेगा? हाँ सर आप बस तोड़ने के लिए बोल रहे, लैम्डा एम वो तो फॉर्मेलिटी होता है, सी डबल ओ माइनस में टू। ये हो गया, और क्या हो जाएगा? अनायन पे प्लस एच प्लस पे टूट जाएगा, लैम्डा एम नॉट एच प्लस पे टूट जाएगा। ये वो क्वेश्चन तू बनाओगे? चलिए तो पहला ही क्वेश्चन कंपटीशन का है तुम्हारा, को देखना क्या है, ये देखना वाला बात बड़ा बेकार लगता है, ठीक है। चलो तब देखने वाला बात है तब तो क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि तुम लोग का क्लियर नहीं हुआ। चलो तो एक और एग्जाम्पल करो कि मोलर अगर एम इनफिनिट या नोट की बात करो, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत। चलो तोड़ के बताओ। हाँ बताओ जल्दी। H2SO4 है या 3 है? H2SO3। बक टाइम लगा दिया तुम लोग। ये देखो एम या ये क्या हो जाएगा, एच प्लस या क्या चीज, SO3 माइनस एम वन नो दस मिनट एम नो इनफिनिटी SO3 माइनस CO3 टू माइनस। अच्छा 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 SO3 ना, अरे रे 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 चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देखे, ये कितना नंबर है? 8 नंबर पेज है, 8 नहीं 9 नंबर पेज होगा, 9 है। हाँ चलिए तो इसका लिख लीजिए कैसे। ओके लोहा ठीना किसके इधर, कौन है ये भाई? कीप स्माइल वन। अरे नाम ओरिजिनल लिखो रे, कैसे आया ये? टूटेगा देखो यहाँ पर, ये टूटेगा तो ये आ जाएगा ये। अरे बात समझ में आई? ये दो मोल कहां से आ गया इसका? अरे H2C या आप लोग ना ऐसे लिख लो, तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना। कैटायन का दो मोल, कैटायन वाले का दो मोल है, इसके लिए हम लोग कंसीडर किए थे यहां पे। लिख दो। अरे सुनो सुनो सुनो, हां 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है, ये हो गया हमारे पास। माइनस होना चाहिए ना, आप SO क्या क्या लिख दिए थे? चलो ठीक, यहाँ पर ही माइनस नहीं नहीं SO लिखा था, सल्फर वाला ले लिया था मैंने। चलिए अभी समझ में आ गया? हाँ। कैसे आया? अरे टूटा है ये एज प्लस। अरे मुंह से बोलो रे, दो मोल कटान गया माइक ऑन करके बोलो ना। चलो 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 क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। टाइम नहीं है, 10 मिनट है, इसलिए क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, अरे जिनको नहीं समझ में आया बाद में क्लास लीजिएगा। नहीं नहीं कोई क्लास नहीं होगा, अब सामने भी नहीं ना होगा, सामने होगा ना सर? करोगे? ना 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 ना, हम तो कर सकते हैं। ये रे कीप स्माइल, क्या कर रही हो रे, क्या कर रही हो कि क्या कर रहे हो पता नहीं।
सर आपका ही बच्चा है कौन है सर कौन है कीप हिज माइंड इसीलिए मैं बिना नाम के बच्चों को ऐड नहीं करता हूँ ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दे रखा है ठीक है ना। लाइट कट गया मेरा शक्ल नहीं दिखेगा। 125 Acm का स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद दे रखा है हमारे पास एम ओहो NaCl ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखा है 420 चोर ए स्क्वायर और मोल इनवर्स। यहां पर दे रखा है रंग बिरंगी पेन से लिख देते हैं। यहां पर मोलर कंडक्टेंस दे रखा है ध्यान दीजिएगा यहां पर बच्चों इसका Ca3COONa=, ध्यान दीजिएगा 90 Acm स्क्वायर मोल पर मोल इनवर्स 90 ठीक है ना। और यहां पर आपको निकालना है बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा तो ये निकालना है ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको और आसानी कर देता हूं यहां पर समझिए। जब इसको तोड़िएगा बच्चों ठीक है ना यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर जब इसको तोड़िएगा किसको एम पूरा NaCl HCl CH3 COONH को Na को हम लोग एक एक सॉल्यूशन में डाल ले क्या? हाँ, सबको एक में डालेंगे Na प्लस ठीक है ना। और इसको जब तोड़ोगे तो ये क्या मतलब Cl में Cl माइनस तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 125। हाँ पहला इक्वेशन हो गया हमारे पास। दूसरा HCl को तोड़ो तो ये क्या हो जाएगा ये H प्लस ठीक है और लैम्डा एम इनफाइनाइट सीएल माइनस सीएल माइनस इसकी वैल्यू कितना 420 इक्वेशन 2 ठीक है। उसके बाद हमारे पास लैम्डा तीसरा तो दोनों इक्वेशन को घटा दे क्या? हाँ अभी रुको ना घटाएंगे मतलब कि इसको तो पहले मैं तोड़ देता हूँ। इनफाइनाइट CH3COO- फिर हमारे पास ये और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों Na प्लस हो जाएगा Na प्लस इसकी वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 900। हाँ अब कैलकुलेट क्या करना है आपको 90 है वो। हाँ 90 होगा ना। अब देखो यहाँ पर अच्छा अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करना है बच्चों ये जो दे रखा है आपके पास क्या चीज CH3COOH ये वीक एसिड होता है। अब यहां पर इसको तोड़िएगा तो ये क्या बना देगा एम कौन कर रहा है सर ये सर कौन पागल हो गया सर। अरे मत बोलो रे मतलब मत कर रहे ऐसे फिर ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर देखिए CH3COO यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों एम और ये क्या हो जाएगा एच प्लस ये वैल्यू निकालना है ठीक है ना। अब इस वैल्यू को बच्चों निकालने के लिए तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए अगले पेज पे जाना पड़ेगा ठीक है ना। चलिए पेज नंबर कितना है जा मुझे तो पेज नंबर नहीं लिखा नौ कैसे किया है कौन सा। अरे ये नहीं कुछ नहीं इसको तोड़ दिए है ये देखिए यहाँ पर ये सारा डेटा दे रखा है हम लोग तोड़ दिए ठीक है ना। बस आपको इसका और इसका वैल्यू निकालना है। एक किससे लाना है तो ये वैल्यू इसी से लाना है यहां से आएगा ठीक है ना। सब एक दूसरे में कट जाएगा कौन कटेगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी। नोट तो हो गया सर। सर डायरेक्ट आप लैम्डा एम इनफाइनाइट लिख दिए उसको फाइंड करना यहाँ पर आपको लिखना चाहिए ना लैम्डा एम इनफाइनाइट इसके लिए CH3COOH के लिए। अरे ये अच्छा ये नहीं लिख रखा हुआ है इसलिए तो कंफ्यूजन आ रहा है। ओहो ये लिखा हुआ है ठीक है ना। चलिए अच्छा नहीं मुझे चलिए ये हो गया क्या पढ़े। हाँ चलिए अब करना कुछ नहीं है इक्वेशन नंबर जो आप लोग निकाल रहे हो इक्वेशन थर्ड नंबर है ना
उसमें से वन को माइनस करो, ठीक है ना? हेलो, या ऐसे करो, वन को माइनस करो, और नहीं तो ऐसे करो यहाँ पर कि इसको टू को जोड़ दो, क्या करो टू को जोड़ दो और आप तीन को मतलब वन को माइनस करो, तो फाइनली देखो तो आंसर क्या आ रहा है या नहीं, देखो बैक कीजिए ना सर यहाँ पर, देखिए अरे वो तुम्हारा डेटा चालू है, कौन आवाज कर रहा है, चलो बोलो कौन सा हो जाएगा, वन और टू को जोड़ रहे हैं और वन सॉरी थ्री और टू को जोड़ रहे हैं और वन को माइनस कर, हाँ वन को माइनस कर रहा है, तो देखो सारा कट के ना बस यही दो बच जाएगा आपके पास, ठीक है ना, तो दोनों बच जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर समझो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, थर्ड इक्वेशन का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो ध्यान से 90 दे रखा है, वेरी गुड, उसके बाद सेकेंड का कितना दे रखा है 420 हाँ, सब एक दूसरे से बहुत सारा कट, और उसके बाद माइनस 125, जब सबको काटोगे तो 510 माइनस कितना 125 हो जाएगा, 125 जब यहाँ से हटेगा यहाँ पर बताइए तो फाइनली कितना हो जाएगा 385 आंसर आ जाएगा, हाँ सेम स्क्वायर और मोल, ठीक है ना, ये किसका वैल्यू आया, तो ये एम इंफिनिटी सी एस थ्री सी डबल ओ एच सी डबल ओ, तो क्या हाँ ये क्या आंसर आ जाएगा, अगला क्वेश्चन तू बनाओगे आपकी, बट मैं टाइम खत्म हो रहा है सर, हाँ क्वेश्चन तो दे दूंगा लेकिन बना नहीं पाओगे, कहने का मतलब कि टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो चलिए कोई बात, आप लोग एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइनली यहाँ से मेन टर्म्स खत्म होते हैं, जो कि आपका कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है वो सब खत्म होता है, अब हल्का सा बचा हुआ है सेल के बारे में, तो कल उसको खत्म कर देंगे, शाम को क्लास ऑन करोगे क्या, कर लेते हैं सर, कितने बच्चे, दीजिए तो फिर, हाँ कितने बच्चे रेडी हो बताओ, सर बायो का क्लास रहता है मेरा, कितने बजे से, 7:15 से, अच्छा तो बताओ किसको कितना टाइम, 4 से 5 किसी को टाइम है, 5 से 6, 4 से 5, 4 बजे से पहले करो, 8 बजे से हम फ्री है, 8 बजे से आप करवा सकते हैं, तू तो उठवे करती है, 4 से 5 टाइम नहीं है सर, क्लास रहता है, 3 से 4 इतना देर नेट बचेगा नहीं, इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 3 से 4 नहीं, 3 से 4 क्लास रहता है, अजीब हाल है,